तो दोस्त, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं DCIM फोल्डर के बारे में। तो इस फोल्डर का हमारे फोन में क्या काम है और ये फोल्डर हमारे फोन में क्यों दिया जाता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इस फोल्डर को हमारे फोन से हम डिलीट कर देते हैं तो इसका हमारे फोन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो DCIM का फुल फॉर्म है डाटा सेंटर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, और कुछ लोग इसे डिजिटल कैमरा इमेजेस के नाम से भी जानते हैं। तो इस फोल्डर के अंदर आपके मोबाइल से क्लिक किए गए सभी फोटोज और वीडियो स्टोर रहते हैं, और यहाँ पर आपके स्क्रीन रिकॉर्डर्स और स्क्रीन कैप्चर भी यहाँ पर स्टोर रहते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि सभी स्मार्टफोन या फिर कैमरा के अंदर ये DCIM फोल्डर में ही सभी फोटोज और वीडियोज को क्यों सेव किया जाता है? तो इसे समझने के लिए आपको पहले DCIM को समझना होगा। तो DCIM का फुल फॉर्म है डिजाइन रूल फॉर कैमरा फाइल सिस्टम। तो DCIM एक स्पेसिफिकेशन है, इसे आप एक रूल भी समझ सकते हैं, जिसे क्रिएट किया था एक जापानीज कंपनी ने। तो उस कंपनी का नाम है द जापान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। तो इस रूल को 2003 में क्रिएट किया गया था। तो 2003 के बाद जब इस रूल को लागू किया गया था, उसके बाद से ही सभी कंपनियां इस रूल को फॉलो करती है। तो इस रूल की वजह से आपने जो अपने फोन से या फिर आपने DSLR से फोटोज को क्लिक किए होंगे या फिर वीडियोस को रिकॉर्ड किया होगा, वो सब जाके DCIM फोल्डर्स में स्टोर होके रहेंगे, ताकि आपको फोटोज और वीडियोस ढूंढने में आसानी हो, इसलिए इस रूल को बनाया गया था। और अगर आप DCIM फोल्डर को डिलीट कर देते हो तो उसके अंदर के जितने भी वीडियोस और फोटोज आपकी स्टोर होंगी वो सभी डिलीट हो जाएंगी। और अगर आपके DCIM फोल्डर के अंदर कोई भी फोटोज या फिर वीडियोज स्टोर नहीं है, और अगर उसके बाद आप इस फोल्डर को डिलीट कर देते हो तो वो फोल्डर फिर से रिक्रिएट हो जाएगा जब आप कोई भी फोटोज या फिर वीडियोज क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को क्लिक करके ऑल पर रख दीजिए, जिससे हमारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।